Hello students, in today's class we are going to see 4th standard maths, lesson number 9, word problems, addition, subtraction, part 2. Part 2 का lesson number 9, हम ये सारे question answer देखने वाले हैं. Digest answer में आपके जितने भी problem set हैं, जितने भी practice set हैं, सारे हम इसमें cover करने वाले हैं. आपके comments किस तरीके से बार बार आ रहे थे, जिस तरीके से उसी लिए मैं आपके यहाँ पे जो भी आपने comments किए हैं, जिस भी chapters के लिए वो सारे मैं एक एक करके सारे आपको सम यहाँ पे एक एक चैप्टर्स को एक चैप्टर को एक ही पूरे वीडियो में बता दूंगी. तो ये जो आपका चैप्टर है ना लेसन नंबर 9 पूरा एक ही वीडियो में बता दूंगी सारे आंसर ताकि आप अपने वर्कबुक कंप्लीट कर सको. ठीक है, ये क्वेश्चन देख रहे हैं, इसका आंसर यहाँ पे ये दिया गया है. क्यों यहाँ पे दिया गया ऐसे, क्योंकि यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को मिला के आपको क्या किया गया है, ऐड किया गया है. ऐड करने तो आपको आता है ना, मैं आपको यहाँ पे ऐड करके एक बता देती हूँ, तो उसी तरीके से आपको सारे करने हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 7 6 कितना होता है, 13 होता है. तो 3 यहाँ पे रख दिया, 1 करी रख दिया, तो 6 और 7 दोनों 7 हो गए. ये भी 7, ये भी 7, तो 7 7 कितना होता है, 14 होता है. 4 यहाँ पे देखो, ये जो 14 लिखा ना, तो इस साइड का यानी कि राइट साइड का हम यहाँ पे लिखते हैं, और जो ये लेफ्ट साइड होता है ना उसको कैरी रख देते हैं. तो ये 1 को हमने कैरी रख दिया, ये जो 1 था, तो 1 को जब हमने कैरी रख दिया तो ये देखिए 8 और 1 कितना हो गया, ये 8 और ये 1 9 हो गया. 9 और 5 कितना होगा, काउंट करके देखिए, तो 5 में से अगर मैं इसको दे दूँ तो ये हो जाएगा 10, और 10 में से सिर्फ 4 ही बचा ना, तो 10 और 4 14 हो जाएगा, ऐसे आंसर आ जाएगा. ठीक है, आपको ऐड करना है तो इसका पूरा आंसर ये आ जाएगा. तो आपको कैसे लिखना है, देयर आर 1000, ये 1000 पढ़ेंगे ना, क्योंकि आपको पता है ये 1000 की प्लेस पे है, ये 100 की प्लेस पे है, और ये किसकी प्लेस पे है, ये 10 की प्लेस पे है, और ये जो 3 है ये यूनिट की प्लेस पे है. तो 1443 ऐसे पढ़ेंगे. ठीक है, तो इतने बच्चे स्कूल में हैं. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और जितने भी एक्सरसाइज है वो देखते हैं. वर्ड प्रॉब्लम्स हैं तो आपको पूरा ध्यान से देखना है वर्ड प्रॉब्लम्स. तो यहाँ पे तो मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर बता रही हूँ, एक्सप्लेन कुछ भी नहीं कर रही स्टूडेंट्स. अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताना, मैं आपको एक्सप्लेन भी करके बता दूंगी. यहाँ पे आपके कमेंट्स आए हैं डाइजेस्ट आंसर के लिए, तो मैं फटाफट आपको डाइजेस्ट आंसर प्रोवाइड कर रही हूँ. ओके, यहाँ पे देख दिया गया है, बाबूराव ने प्लांट किए 143 स्वीट लाइम लगाया उसने, स्वीट लाइम के ट्रीज 143 लगाया, और 156 लगाया उसने चीकू ट्रीज, और यहाँ पे देखिए अपने बगीचे में ऑर्किड यानी बगीचे में इसने लगाया 143 किसके लगाए, स्वीट लाइम्स के, 156 उसने लगाया चीकू ट्रीज. तो टोटल उसने कितने लगाए, तो देखो 143 स्वीट लाइम्स लगाए, 156 चीकू ट्रीज, दोनों मिला के हो गया 299 हो गया. ये आंसर है आपके, देख सकते हो आंसर कैसे लिखा है, वर्कबुक में आप लिख लो. चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को भी लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स साथ जरूर शेयर कर देना ताकि उन्हें भी हेल्प मिल जाए. इन सेकेंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया गया स्टूडेंट्स. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से है, आपको देख सकते हो कि आपको यहाँ पे ये दिया गया है, इतने सारे स्टोरी बुक्स हैं और इतने सारे पोएट्री बुक्स हैं लाइब्रेरी में, सो हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन द लाइब्रेरी टुगेदर, कितने सब मिला के कितने हैं. तो यहाँ पे देखो क्या किया गया है, तो ये तो 1000 तक है, ठीक है, यूनिट 10 100 1000, लेकिन ये क्या है दूसरा वाला, यूनिट 10 100 100 की प्लेस पे ही है, तो इसको इस साइड से लिखना है, यूनिट को यूनिट के नीचे, 10 को 10 के नीचे, 100 के नीचे, और ये 1 की जगह पे कुछ नहीं है चाहिए, तो आप यहाँ पे 0 लिख सकते हो, नहीं तो आप वैसे भी कर सकते हो. ऐड करके यहाँ पे दिखा दिया हमने कि ये इतने स्टोरी बुक्स हैं, इतने पोएट्री बुक्स हैं, टोटल बुक्स इतने हुए, सो देयर आर 1380 बुक्स ऑल टुगेदर इन द लाइब्रेरी. सारे आंसर्स इसी तरीके से आप फटाफट आंसर देखते जाइए, लिखते जाइए, वीडियो पॉज करके. यहाँ पे मैं आपको काफ़ी टाइम तक, देखिए मैंने पेज को रोक के रखा है ताकि आप आंसर आराम से लिख सको पॉज कर करके वीडियो. चैनल सब्सक्राइब करोगे तो बेल आइकन आता है, ऑप्शन आ जाता है, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना स्टूडेंट्स, ताकि आपको हेल्प मिल सके, नए नोटिफिकेशन जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप किसी भी सब्जेक्ट का, तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके, आप इजीली देख पाओ. एक बात और, आपके EVS 1 EVS 2 इंग्लिश सभी के आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, उसमें सारे चैप्टर्स अपलोडेड हैं जो भी आपने बोले हैं. अब यहाँ पे देखो दिया गया है, राकेश के पास कितने हैं, इतने हैं उसके पास, ठीक है, राकेश हैड इतने पैसे हैं उसके पास, उसने कंप्यूटर ख़रीदा इतने रुपए में यानी 19345 में ख़रीदा, हाउ मच मनी लेफ्ट विद हिम, कितने बचे. अब इसमें माइनस करना पड़ेगा, उसने इतने पैसे थे उसने इतने में से खर्च कर दिए, तो माइनस हो गया ना, ऐड थोड़ी हुआ, तो खर्च कर दिया, तो कितना बचा फिर, लेफ्ट लेफ्ट पूछा यानी कितने बचे मनी,
तो अभी आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमको पहले ऊपर वाला जो बड़ा है, क्योंकि ये 25,000 है, ये 19,000 है, तो 25,000 वाले को ऊपर रखेंगे, क्यों, उतने पैसे टोटल उसके पास थे, तो उसको हम ऊपर रख दिए और इसको नीचे, ठीक है, जो खर्च किया वो नीचे। और कैसे लिखना है ये देखो यहाँ पे, कैसे लिखना है आंसर, तो ऐसे आपको आंसर लिख के बता देना है, ठीक है, देख सकते हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये भी आपका माइनस ही है। अब्दुल के पास इतने बीड्स थे, उतने इतने उसने इतने बेच दिए, कितने बचे, इतने ही बचे सिर्फ 72। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अभी फटाफट सारे आंसर अभी देखते जाइए। आपको नहीं समझ में आएगा कि वर्कबुक में कैसे लिखना है, सो आपको कोई दिक्कत लेनी जरूरत नहीं है, आप अपने किसी बड़े की हेल्प से पूछ सकते हो कैसे लिखना है, या फिर आपको ये क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन मैच करना है, ये जोसेफ वाला जो क्वेश्चन है, रघुराव से जो क्वेश्चन स्टार्ट है, उसके आंसर्स आपको ऐसे ही लिखने जैसे यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, ऐसे ही आंसर्स लिखने हैं। तो आपको मैच करना है क्वेश्चन, आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो क्वेश्चन देखो और क्वेश्चन मैच करके लिखो, क्योंकि ये डाइजेस्ट के आंसर है और लिखना आपको वर्कबुक में कंप्लीट करना है। सो आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर बहुत सारे बच्चों को रीडिंग प्रॉब्लम है तो फिर उनको क्वेश्चन आंसर लिखने में प्रॉब्लम आएगी, तो जिन बच्चों ने मुझे डाइजेस्ट आंसर के लिए बोला है, बार बार उनके आ रहे थे मैसेज, कमेंट आ रहा था, इसलिए मैंने प्रोवाइड तो कर दिया है, बट आपको अगर लिखने में प्रॉब्लम होगी तो इससे थोड़ा आपको हेल्प लेनी है अपने किसी भी एल्डर, आपके भाई बहन, अपने फ्रेंड्स की, या फिर आप अपने पेरेंट्स से पूछ के आंसर लिख सकते हो, ठीक है, कैसे लिखना है वो आपको समझा देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, रोहन ने कुल इतने पैसे खर्च किए, क्या खरीदने के लिए, कंप्यूटर, इतने पैसे खर्च किए उसने प्रिंटर स्कैनर के लिए, पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स कॉस्ट एक्स्ट्रा, रोहन स्पेंट अ टोटल, टोटल उसने इतना खर्च किए, तो उसका यहाँ पे दिया गया है कॉस्ट ऑन पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट क्या पैसे होंगे। तो देखो यहाँ पे दिया गया, इतना उसने कंप्यूटर पे लगाया, इतना उसकी जो है कॉस्ट ऑफ प्रिंटर स्कैनर की, टोटल कॉस्ट हो गया, जोड़ लिया हमने, इतना हो गया। अब क्या करना है हमें, इसमें से जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो घटा देना है, ठीक है, टोटल पैसे उसके पास इतने थे, सो इतने पैसे में लिख लिए, और जितना आया है इन दोनों का खर्चा जितना आया है उसको इसमें से माइनस कर देंगे, जो बचा तो समझ लो कि वही क्या होगा, कॉस्ट और ट्रांसपोर्ट का जो एक्स्ट्रा खर्चा है वो है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया था इसने, इसने कंप्यूटर का खर्चा बता दिया था कि खरीदने में इतना लगा, और प्रिंटर स्कैनर का बता दिया इतना लगा, टोटल पैसे भी बता दिए कितना लगा, तो इन दोनों का तो खर्चा बता दिया, क्या नहीं बताया ट्रांसपोर्ट का कितना लगा, यानी उसको ले आने जाने का क्या खर्चा लगा, वो उसका पूछ रहा है, तो उसका खर्चा हम ऐसे बताएंगे, टोटल में से जितना टोटल उसका पैसा था, टोटल पैसे में से ये जो कंप्यूटर और इसका था ये घटा देंगे, तो इतना ही आएगा ना, क्योंकि उसके सारे पैसे तो ख़त्म हो चुके हैं, तो ये आंसर आ जाएगा, पूरा आंसर देख सकते हो यहाँ पे। कोई और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में बताते जाइए, इसी तरीके से जैसे आपके कमेंट्स आ रहे हैं ऐसे ही कमेंट्स आते जाएंगे, जैसे जैसे आपके इसी तरीके से मैं वीडियोस अपलोड करती जाऊंगी, जो जो आपको नीड है, जो क्वेश्चन हमने देखे उसके आंसर ये दिए गए हैं। हाँ एक बात और है कि आपको रिजोल्यूशन 360 या फिर 480 पे देखना है तो ही वीडियो आपको क्लियर दिखेगा, आप 144 पे या फिर आप 240 पे देखोगे वीडियोस तो आपको क्लियर नहीं दिखेगा, ठीक है, तो आपको वीडियोस हाई रेजोल्यूशन पे देखना है। अब हाई रेजोल्यूशन क्या आपको नहीं समझ में आता तो आप अपने किसी से भी फैमिली मेंबर से पूछ सकते हो, अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो। हाई रेजोल्यूशन में वीडियो करने से वीडियो क्लियर दिखती है ना, इसलिए बोल रही हूँ। फटाफट हम सारे क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये देखो एडिशन प्रॉब्लम है, ये सबट्रैक्शन प्रॉब्लम है, यहाँ पे देख सकते हो आंसर दोनों के। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, देख सकते हो, वापस से बता रही हूँ कि अब वीडियो एकदम क्लियर है,
आपको बस 360 480 रेजोल्यूशन करके देखना है। और ये मैं आपको हर वीडियो में बता दूंगी कि आपको रेजोल्यूशन, ताकि आपको याद रहे कि रेजोल्यूशन हमेशा आपको हाई करके रखना है, तो ये क्लियर दिखेगा। वीडियो पूरा एंड तक देखना स्टूडेंट्स, कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछना। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके, वो भी अपना बुक कंप्लीट कर सकें। और कौन सा वीडियो आपको चाहिए आप मुझे कमेंट में बता देना। यहाँ पे देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दूसरा लेसन स्टार्ट होता है। अच्छा, यहाँ पे आपको पूछा गया है फिलिंग द मिसिंग नंबर, तो यहाँ पे देखिए मिसिंग नंबर क्या हुआ। जैसे अब यहाँ पे ये प्लस का है तो हमें पता है, अब यहाँ पे 7 आंसर दे दिया गया है और यहाँ पे 2, तो 2 में ऐसा क्या ऐड करेंगे कि 7 हो जाएगा, तो 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7। ओके, अब यहाँ पे देखो 7 दिया हुआ है, तो अब ऊपर तो 8 है, नीचे ऐसा क्या रखेंगे कि 7 आना चाहिए, तो बताइए आप, तो 17 आना चाहिए, 8 में ऐसा ऐड कीजिए कि 17 आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, देखिए 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 16 17 आ गया 17। क्या ऐड किया, कितना ऐड किया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐड किया तो आया यहाँ पे, तो ऊपर एक कैरी हो जाएगा। ठीक है, तो कैरी, ये कैरी हम इसी में डाल देंगे। ठीक है, तो 6 ये कैरी 1 और ये 6 हो जाएगा 7, राइट। अब यहाँ पे 9 दिया गया है और यहाँ पे 7 आया है, तो यानी कि 9 में कितना ऐड करेंगे कि 7 आएगा, 7 नहीं आना चाहिए, 17 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि 7 के आगे से तो 9 है। ठीक है, तो 9 10 11 12, तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 9 था, तो 17 आया था, तो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 8 कर देंगे तो 17 आ जाएगा। फिर मैं आपको बताती हूँ, 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16 17 कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 आया ना 8, तो यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे, 8। ओके, अब यहाँ पे देखो दिया गया है 4 और 7 यहाँ पे दिया गया है, तो कितना आएगा यहाँ पे, यहाँ पे आएगा 3, तभी तो होगा 4 3 7। अब ये माइनस है, माइनस आप बताना क्या आएगा यहाँ पे। अब 2 में से 4 तो जाएगा नहीं, तो 2 क्या करेगा, कैरी लेगा इससे, ये हो जाएगा 5 और ये आपका जो 2 है ये हो जाएगा 12, तो 12 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 8, और ये जो 6 है, ठीक है, तो 6 में से यहाँ पे 6 तो हो गया 5, तो 5 में से यहाँ पे क्या रखेंगे कि जो यहाँ पे आएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पे हम रख देंगे जस्ट मिनट, सो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आएगा 9, कैसे आएगा, क्योंकि ये 5 था, तो 5 क्या करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 कैसे आया, तो 5 क्या करेगा, इससे एक कैरी लेगा, तो 15 होगा, 15 में से 9 होगा तो ही 6 आएगा। उसके बाद यहाँ पे आप आंसर देख सकते हो कि इसने इससे कैरी लिया, तो ये यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, 3, तो 3 क्या करेगा, 3 में से 8 हो जाएगा नहीं, तो ये इससे कैरी लेगा। ठीक है, ओके, तभी यहाँ पे 6 हो जाएगा, 7 में से 6 हो जाएगा, तो 7 में से 7 या 6 हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि ये 13 हो चुका है, 13 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा, आएगा यहाँ पे 4। ठीक है, तो अब इस तरीके से आप यहाँ पे आंसर देख ही सकते हो। अब यहाँ पे ये यहाँ पे आएगा 3 तो होगा 2। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको सारे आंसर्स बता दिए एक एक करके, और यहाँ पे दिया गया है आप देख सकते हो, ये तो आपके लिए एक्सरसाइज है, आपका आप खुद से करना। नेक्स्ट चैप्टर के आपके कॉमेंट्स आए, मैं उसका वीडियो बना दूँगी, फ्रैक्शन का वीडियो बना दूँगी। ओके, कोई डाउट है कॉम्पिटिशन पूछना।